हेलो दोस्तों, कैसे हो सब लोग? आप उम्मीद है अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं आपको आज बताना चाहता हूँ कि जैसे कि हमारा कोई भी एप्लीकेशन का डेटा स्टोरेज शो करता रहता है कि आज हमने इस एप्लीकेशन में इतना डेटा यूज किया। मैं भी बहुत परेशान था। मेरे कज़न ने पूछा था कि उसने किसी से बात किया था। वो बोल रहा था कि मुझे छुपाना है क्योंकि मेरा कज़न कोई आने वाला है, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया क्योंकि मुझे भी जल्दी नहीं मिला था। इसको डिलीट तो नहीं कर सकते लेकिन इसका एक ऑप्शन कर सकते हैं, जैसे कि ये व्हाट्सएप का है। आज की डेट मेरा कितना है? संडे 9 तारीख जनवरी ना, तो जैसे ये वाला एप्लीकेशन का इतना है, ये एप्लीकेशन का इतना है, और इसका इतना है, इसका इतना है, इसका इतना है, इसका इतना है। किसी भी, मैं ये बोल देता हूँ, किसी एप्लीकेशन का भी डेटा ऐसे डिलीट नहीं होगा अगर आप पूरा एप्लीकेशन रिमूव करोगे, फिर से डाउनलोड करोगे, फिर से भी वो डेटा आ जाएगा। जैसे कि व्हाट्सएप का अगर आप अनइंस्टॉल करके भी इंस्टॉल करते हो फिर भी डेटा आ जाएगा वापस, और आप चेस क्लियर भी डेटा करते हो तो भी आ जाएगा, या क्लियर डेटा भी करते हो तो ये डेटा आ जाता है, क्योंकि ये आपका ना सिम का डेटा होता है, जैसे इंटरनेट होता है ना, कितना इंटरनेट आपने कौन सी एप्लीकेशन में यूज किया वो डेटा रहता रहता है। तो जैसे कोई कोई हमने किसी से चैट किया, वीडियो कॉल किया, कुछ भी किया, तो यहाँ पे वो डेटा शो कर देता है कि इस एप्लीकेशन से इतना डेटा यूज हुआ पर डे में। तो अभी दोस्तों, जैसे कोई देख सकता है कि हमारा डेटा इतना यूज हुआ, कोई पूछ सकता है इतना तूने कहाँ कंज्यूम किया, किससे बात किया, क्या कर रहा था इतना लेट, या कुछ भी, मतलब ऐसा पूछ सकता है। तो आपको, आप पे ऐसा सवाल ना उठे तो इसलिए आपके लिए वीडियो लाया हूँ मैं। तो दोस्तों, पहले बता देता हूँ, ये डिलीट तो नहीं होता है लेकिन हम इसको कुछ टाइम के लिए हाइड कर सकते हैं, जिसमें आपका काम निकल जाए। मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे हाइड करते हैं। पहले तो आपको मैं इसका डेटा दिखा देता हूँ व्हाट्सएप का, ठीक है? व्हाट्सएप का डेटा किधर है? सेटिंग में जाएंगे, स्टोरेज, ये देखिए दोस्तों। अभी मैंने कुछ दिनों पहले इंस्टॉल करके देखा था ये नया व्हाट्सएप मेरा, तो यहाँ पे कम दिखा रहा है, 500 MB ओनली, 510 MB यूज दिखा रहा है, लेकिन जबकि 500 MB दिखा रहा है वहाँ पे, हाँ देखिए, जबकि यहाँ 2.99 GB यूज दिखा रहा है, क्योंकि ये ऑलरेडी स्टोरेज करके रखता है पहले से अपने पास में, जो अपने सिम का जितना भी डेटा यूज होता है वो भी। मेरा वोडाफोन भी है, अभी तो मेरा फ़िलहाल चलता नहीं है ये, लेकिन इसमें कम यूज हुआ है, ठीक है, सब KB में, ये ना के समान यूज हुआ है। तो ज़्यादातर मैं जियो से यूज़ करता हूँ, तो मेरा जियो से सारा यहाँ पे GB में स्टोरेज दिखा रहा है कौन सी एप्लीकेशन में कितना KB है। अब इसको हाइड कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ। अभी हम जाएंगे इसकी सेटिंग में, ठीक है, सेटिंग में जाके जाएंगे, इसको देखो, ये ऑटोमेटिक टाइम जो होता है, सबसे पहले इसको हम बंद कर देना है। ये 24 आवर टाइम लिमिट है, चाहे तो आप ऑन कर सकते हैं, चाहे ऑफ कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, सिंपली जैसे ये डेट है, मान लो कि आज 9 तारीख है ना, तो इसका या तो आप मंथ ही चेंज कर दो, जैसे कि हमने दिसंबर मंथ कर दिया है, तो डेट को इतना ध्यान तो कोई देगा नहीं दिसंबर पे या जनवरी पे, तो हमने मंथ चेंज कर दिया है। अभी हम चेक करते हैं कैसे शो हो रहा है, कुछ तो आई थिंक चेंज हो गई, किधर गया भाई व्हाट्सएप, ये देखिए भाई, मैंने दिसंबर में और ज़्यादा यूज किया था तो इसका स्टोरेज अब बढ़ गया है, बाकी का सबका स्टोरेज चेंज हो चुका है, ठीक है दोस्तों, सभी का स्टोरेज चेंज हो चुका है। अगर हम कुछ दिन बाद में करना चाहते हैं, आपका आपका आप देख लीजिए कौन सी तारीख में आपका डेटा कम यूज हुआ है, तो आप वही डेट सेलेक्ट करना, ठीक है। मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ एक, अभी मंथ चेंज नहीं करूँगा, मैं मंथ को जनवरी कर दूँगा। अब इसको मैं, जैसे आपका 9 तारीख था, आप कुछ भी कर सकते हैं, मेरा 9 तारीख था, तो इसमें फरवरी हो जाएगा ना, ऐसे
ठीक है, मैं कुछ भी कर देता हूँ एनीथिंग, मतलब आपको टेस्टिंग कर दिखा रहा हूँ बस, मालूम 6 तारीख कर देता हूँ। ठीक है, 8 मई और 9 मई इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेरा सुबह सुबह वीडियो बना रहा हूँ तो मेरा व्हाट्सएप आज यूज़ नहीं हुआ है। फिर से देख लेते हैं इसको, मैंने 6 तारीख कर दिया ना, 6 तारीख हो गया। उसके बाद व्हाट्सएप, ये देखिए मेरे ओरिजिनल डेट में जो कि 9 तारीख में 2.99 GB था, लेकिन अभी थोड़ा यूजेस मेरा थोड़ा कम हुआ है, 2.91। दोस्तों इससे ये फ़ायदा होगा, अगर कोई हमारा कज़न या बड़ा भाई या मेरा या कोई भी गर्लफ्रेंड या एनीथिंग कोई भी देखना चाहता हो ना हमारा व्हाट्सएप, जो हम पे शक करता हो कि तुम रात को किससे बात करते हो, क्या क्या व्हाट्सएप मोबाइल में चलाते हो, तो ज़्यादातर लोग यहाँ से देख सकते हैं। लेकिन तुम उसको थोड़ा डेट या मंथ चेंज करके कुछ टाइम के लिए, जैसे कि आज कोई आने वाला है आज देखेगा, तो हमें आज ही डेट चेंज कर देनी है या मंथ, कल को फिर से अपना सही कर लेना। तो उससे क्या होगा कि कोई देखेगा तो उसको ज़्यादा पता भी नहीं चल पाएगा जो तुम्हारा डेटा यूजेस का है, वो सब ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो दोस्तों कैसा आपको लगा ये वीडियो, आप मुझे ज़रूर बताना कमेंट में। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, अगर कमेंट करने का मन हो तो कर देना यार, क्योंकि आप कमेंट करोगे तो मेरा उत्साह बढ़ेगा। और आपके लिए किस टॉपिक में मैं वीडियो बनाऊं, आपको क्या प्रॉब्लम मोबाइल में आ रही है वो आप मुझे बता सकते हो। तो जाने से पहले दोस्तों मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, थैंक यू सो मच।